क्या आप जानते हैं गॉड ऑफ वॉर 1 के एंडिंग में जब एरीज ने क्रेटोस के हाथ से ब्लेड ऑफ क्रेओस छीन लिया था, तब से ब्लेड ऑफ क्रेओस को देखा भी नहीं गया है। उसके बाद वाले गेम्स में क्रेटोस ने ब्लेड ऑफ एथीना एंड ब्लेड ऑफ एक्साइल यूज किया था, बट फाइनली न्यू गॉड ऑफ वॉर 2018 में हमने ब्लेड ऑफ क्रेओस को देखा। वो ना तो ब्लेड ऑफ एक्साइल था, ना तो ब्लेड ऑफ एथीना, वो था द ओरिजिनल ब्लेड ऑफ क्रेओस, जिसे गॉड ऑफ वॉर 1 में क्रेटोस ने खो दिया था, और तब से हमने ब्लेड ऑफ क्रेओस को देखा भी नहीं। बट इससे खड़े होते हैं बहुत से सवाल कि ब्लेड ऑफ क्रेओस नॉर्स माइथोलॉजी में आया कैसे, एंड ब्लेड ऑफ क्रेओस क्रेटोस से अलग क्यों हुआ। सो हे गाइस, मैं हूं शौर्य सत्यार्थ एंड यू आर वाचिंग गेमिंग जनरेशन। इस चैनल पे मैं गेम्स की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं एंड डिफरेंट टाइप से गेम्स टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लेड ऑफ क्रेओस की पूरी हिस्ट्री, ब्लेड ऑफ क्रेओस को किसने बनाया, कहां बनाया, और क्रेटोस के पास कैसे आया, और क्रेटोस के पास से कैसे चला गया, एंड ब्लेड ऑफ क्रेओस नॉर्स माइथोलॉजी में कैसे आया। अगर आप ब्लेड ऑफ क्रेओस की पूरी हिस्ट्री जानते हैं एंड आपके पास ब्लेड ऑफ क्रेओस की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, बिकॉज क्या पता आपने कुछ मिस कर दिया हो या आपका कुछ जाना बाकी रह गया हो। और अगर आप गॉड ऑफ वॉर का फैन है और आपको ब्लेड ऑफ क्रेओस की पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम, तो फिर ये वीडियो तो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में हम ब्लेड ऑफ क्रेओस के ओरिजिन से लेकर ब्लेड ऑफ क्रेओस के अब तक के दिखाए गए सीन तक सारी बातें करेंगे। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ब्लेड ऑफ क्रेओस एक ऐसा वेपन है जिससे सारे ग्रीक गॉड्स डरते थे, जैसे वो ब्लेड ऑफ ओलंपस से डरते थे। हमने अब तक ब्लेड ऑफ क्रेओस की ओरिजिनल पावर को नहीं देखा है। हम यहाँ पे ब्रॉक्स की बात सुन सकते हैं। माय ब्रदर एंड मी क्रिएटेड मियोलनिर फॉर द बिग इडियट। आई नो फ्रॉम क्वालिटी And them special. वो ब्लेड ऑफ क्रेओस को म्योमियर से बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था और वो ब्लेड ऑफ क्रेओस की क्वालिटी जानता था। इससे ये साबित होता है कि ब्लेड ऑफ क्रेओस की ओरिजिनल पावर अब तक सामने नहीं आई है, और शायद अपकमिंग गॉड ऑफ वॉर गेम्स में हमें ब्लेड ऑफ क्रेओस की ओरिजिनल पावर सामने आती हुई दिखे। सो अब जानते हैं कि ब्लेड ऑफ क्रेओस कैसे बना। ब्लेड ऑफ क्रेओस को खुद एरीज ने बनाया था डेप्थ ऑफ हेडीज में, जिससे कि बनाते वक्त ब्लेड ऑफ क्रेओस में फायर पावर आ गई। मतलब अगर ब्लेड का ओनर ब्लेड को पकड़ेगा या फिर उससे अटैक करेगा तो वो ब्लेड इग्नाइट हो जाएगी, मतलब वो फ्लेम से सराउंड हो जाएगी। ब्लेड ऑफ क्रेओस के साथ एक बहुत ही लंबी चेन अटैच्ड है, जिससे ब्लेड को बहुत हद तक स्ट्रेच कर दिया जाता है, जिससे ये लॉन्ग रेंज एंड क्लोज रेंज वेपन दोनों बन जाती है, और क्रेटोस इसका बहुत ही सही इस्तेमाल करता है। ब्लेड ऑफ क्रेओस की चेन इस बात को दर्शाती है कि इसका ओनर एक बॉन्ड में फंसा है, मतलब एक ऐसे ओथ में फंसा है जो तोड़ा नहीं जा सकता। इस ओथ को तोड़ने के सिर्फ दो रूल हैं, या तो इसका ओनर उस ओथ से सेटिस्फाइड हो जाए फिर वो ब्लेड ऑफ क्रेओस के ओनर को जाने देगा यानी उसको फ्री कर देगा, या फिर जिसने ब्लेड ऑफ क्रेओस को बनाया है उसकी डेथ हो जाए, इसका मतलब एरीज की डेथ हो जाए, तो ही क्रेटोस इस ओथ से फ्री हो पाएगा। सो अब इस बारे में बात करते हैं कि क्रेटोस के पास ब्लेड ऑफ क्रेओस आया कहां से। जब क्रेटोस यंग था, क्रेटोस बहुत ही पावरफुल वॉरियर था, जिससे उसे बहुत ही कम एज में स्पार्टन आर्मी का जनरल बना दिया गया, और वो जोश जोश में बारबेरियन आर्मी से पंगा ले बैठा। बट बारबेरियन आर्मी उसकी आर्मी से बहुत ही पावरफुल थी एंड बड़ी भी, इसलिए क्रेटोस की स्पार्टन आर्मी हारने लगी। जब क्रेटोस मरने वाला था तब उसने एरीस को पुकारा और कहा कि मुझे बचा लो और मेरे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दो, और बदले में मैं तुम्हें दूंगा अपनी लाइफ। इस बात का फायदा उठा के एरीस उस जगह पे आ जाता है और क्रेटोस को हारपीस के जरिए ब्लेड ऑफ क्रेओस दे देता है, और ब्लेड ऑफ क्रेओस उसके हाथों में बांध देता है, जिससे क्रेटोस एक अनब्रेकेबल ओथ में बन जाता है, और बदले में मिलती है क्रेटोस को एक्सट्रीम पावर यानी ब्लेड ऑफ क्रेओस। क्रेटोस पावर में अंधा हो गया था और वो एरीज की हर बात मानने लगा था। एरीज उसे जो ऑर्डर देता था वो उसे मान लेता था। एक दिन अनजाने में क्रेटोस को ऑर्डर मिले कि एक विलेज पे हमला कर दे, और वो इस बात से अनजान था कि वो उसी का होम विलेज है, और अनजाने में उसने एक टेंपल पे हमला कर दिया जिसके अंदर उसकी वाइफ एंड डॉटर भी थी, और उसने उसी ब्लेड ऑफ क्रेओस से अपनी वाइफ एंड डॉटर का मर्डर कर दिया। जब उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ही गलत कर दिया, अनजाने में ही सही पर उसने गलत कर दिया, और वो एक मॉन्स्टर है, तब उसने उस ओथ को तोड़ने का फैसला किया, जिससे उसने खूब खून खराबा किया और ओथ कीपर्स को मारा। फाइनली वो एरीस को मारने चला गया उसी ब्लेड ऑफ क्रेओस से, बट एरीस क्रेटोस को एक दूसरे रेल में ले गया और वहां पे उसने ब्लेड ऑफ क्रेओस को उसके हाथों से छीन लिया और अलग कर दिया, जिससे क्रेटोस उस वाव से आजाद हो गया। और जब क्रेटोस की आंख खुली तो उसके हाथों में ब्लेड ऑफ क्रेओस नहीं था। फिर क्रेटोस ने किसी भी तरह एरीस को डिफीट किया
और गॉड ऑफ वॉर का थ्रोन संभाला। तभी अथीना ने उसे ब्लेड ऑफ अथीना दिया और बाद में वो ब्लेड ऑफ अथीना ब्लेड ऑफ एक्साइल में बदल गई। एंड फाइनली हमने न्यू गॉड ऑफ वॉर 2018 में ब्लेड ऑफ केओस को कई सालों बाद दोबारा देखा और उस वक्त क्रेटोस की सारी मेमोरीज वापिस आ रही थी। क्रेटोस ने ब्लेड ऑफ केओस को ना चलाने का फैसला किया था बट उसको अपने बेटे एट्रस की जान बचाने के लिए ब्लेड ऑफ केओस को चलाना ही पड़ा। गाइस अब फाइनली उस बारे में बात करेंगे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था कि ब्लेड ऑफ केओस नॉर्स माइथोलॉजी में कैसे आई। सो गाइस इसका आंसर गेम में नहीं दिया गया है और ना कहीं और, इसके कुछ थ्योरीज हैं और उनमें से एक थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गॉड ऑफ वॉर सीरीज में एक अलग रेल्म का जिक्र है जिसमें वही लोग जाते हैं जिनकी वॉरियर की ड्यूटी खत्म हो चुकी है और ये बात काफी हद तक उस इंसिडेंट से मिलती है जब क्रेटोस ने एरिस की गुलामी छोड़ दी थी। तब एरिस ने क्रेटोस को एक अलग रेल्म में ले गया, शायद ये वही रेल्म था जिसकी मैंने अभी बात की, और क्रेटोस के हाथ से ब्लेड ऑफ केओस वहीं पे छीन ली गई। और न्यू गॉड ऑफ वॉर 2018 में हमने एट्रेस के मुंह से ये सुना कि क्रेटोस हमेशा चला जाता था। You've been gone a long, long time. I didn't know what to do. You left me here again. और हमने ये भी देखा है कि क्रेटोस एंड एट्रेस के बीच रिलेशनशिप कुछ खास गहरा भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि क्रेटोस एट्रेस के साथ कुछ ज्यादा समय तक नहीं रहा है और एट्रेस ने ये काफी बार कहा है कि क्रेटोस हमेशा चला जाया करता था और वो उसके पास बहुत कम टाइम के लिए रहा था। सो क्रेटोस कहाँ चला जाया करता था? शायद वो उसी ब्लेड ऑफ केओस को लेने गया था, उसी रेल्म से जहाँ पे उसका ब्लेड ऑफ केओस एरिस के हाथों छीन लिया गया था। अब ये सवाल उठता है कि क्रेटोस उस ब्लेड ऑफ केओस को क्यों लेने जाएगा जिससे वो बहुत नफरत करता है। सो इसका आंसर है आर्टेमिस। आर्टेमिस एक ऐसी गॉडेस थी जो क्रेटोस से बहुत नफरत करती थी क्योंकि क्रेटोस ने ओलंपस को खत्म किया और सारे ओलंपियन गॉड्स को मारा। सो आर्टेमिस क्रेटोस से रिवेंज चाहती थी और वो ब्लेड ऑफ केओस से भी उतना ही डरती थी। सो जब ब्लेड ऑफ केओस क्रेटोस के हाथों में नहीं था तो इस बात का डर बना हुआ था कि आर्टेमिस ब्लेड ऑफ केओस को क्रेटोस से पहले ढूंढ ले और क्रेटोस के खिलाफ यूज करे, इसलिए शायद क्रेटोस उस रेल्म में चला गया और जहां तक क्रेटोस इमॉर्टल है वो ब्लेड ऑफ केओस के साथ वापस भी आ गया। और इसी तरह क्रेटोस ने 50 साल से ज्यादा तक ब्लेड ऑफ केओस को अपने घर के नीचे दबाए रखा और उसे कभी यूज ना करने की शपथ ली। सो फाइनली इसी तरह ब्लेड ऑफ केओस नॉर्थ रेल्म में एंटर हुआ। एंड गाइस यही थी ब्लेड ऑफ केओस की पूरी हिस्ट्री एंड ब्लेड ऑफ केओस की पूरी स्टोरी। सो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और इसकी थ्योरी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी थ्योरी से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड जाने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। एंड गाइस मेरे चैनल पे एक रेड कलर का बटन दिखाई देता है, उसे शूट कीजिए या उस पर जादू कीजिए, वो ऐसे से ऐसा हो जाना चाहिए। मैं होप करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।